नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। यहाँ मैं आप लोगों को अपनी जो छोड़ी हुई वीडियो है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिससे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों को अपने इनकम पे फोकस करना चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट पे। अगर आप लोग अपने इनकम पे फोकस कर रहे हैं तो आप लोगों का इन्वेस्टमेंट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का और खास करके जो जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो उनको अपने इनकम पे ना देख करके वो अपने इन्वेस्टमेंट पे जरूर देखते हैं कि हमारे बेटे की इतने दिनों बाद, हमारा फ्यूचर इतने दिनों बाद आने वाला है, तो हम इसके लिए सेविंग करना स्टार्ट कर दें। लेकिन वो अपनी इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर वो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा दे तो अपने आप उनकी सेविंग, अपने आप उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो लास्ट वाली वीडियो को देखिएगा, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वैल्यू ऑफ वन आर, जिससे कि आप लोगों को ये क्लियर हो पाएगी व्हाई दिस नीड, यानी कि आप लोगों को इसकी जरूरत क्यों है, अपने एक घंटे की वैल्यू निकालने की जरूरत क्यों है। यहाँ पे हो सकता है दोस्तों कि आप लोग किसी सिंगल सोर्स से अर्न कर रहे हो सकता है कि आप लोग पास मल्टीपल सोर्स हो, एक दो तीन चार। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिख रखे हैं पहले से ही, कि आप लोगों का मैं ज्यादा टाइम ना लूं ये सारी चीजें समझाने में। तो ये कुछ एग्जाम्पल भी मैंने लिख रखे हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को सोर्स ऑफ अर्निंग लिखा हूँ, एक दो तीन चार, और यहाँ से आप लोगों का एक प्राइमरी समय होता है जिसमें हम लोग अपने प्राइमरी काम को करते हैं, प्राइमरी जॉब को करते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग को करते हैं। जैसे कि अगर आप लोग प्राइवेट या फिर सरकारी जॉब में है तो 9 से 5 आप लोगों को उस जॉब में जाना ही है, ठीक है। फिर आप लोग अपने एक घंटे निकाल करके कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट करते हैं, जो कि 10,000, 5,000, 4,000, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आप लोग अपनी अर्निंग को ऐसे बोर्ड पे लिखिएगा या फिर कॉपी पेन पे लिखिएगा और वहां से आप लोग अपने तरीके से कैलकुलेट कीजिएगा। तो यहां पे दोस्तों हम लोग क्या सीखेंगे कि आखिर हम अपने एक घंटे की वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं, और हम लोग अपने सोर्स ऑफ अर्निंग को इससे किस तरह से रिलेट करके, क्योंकि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि 1 करोड़ की उस बंदे ने जॉब छोड़ करके अपना किसानी स्टार्ट कर दी, वो क्यों किया, कैसे किया, आप लोग इन्हीं सब चीजों से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इन्हीं सब से अपनी इंपॉर्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हर बंदा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अगर आप किसी फैमिली में हैं तो आप अपनी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप अपने लिए वैल्यू रखते हैं, तो आप लोगों को अपने टाइम की भी वैल्यू रखनी चाहिए, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है दोस्तों, सब कुछ वापस पाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन टाइम वापस नहीं आ सकता है। चाहे जिस भी तरह का वो टाइम हो, अच्छा टाइम हो, बुरा टाइम हो, कभी वो वापस नहीं आ सकता है। तो इसलिए आप लोगों को वैल्यू ऑफ वन आवर सीखना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप लोगों की 1, 2, 3, 4, एक सोर्स से आप लोग 20,000 रुपए कमा रहे हैं, एक सोर्स से आप लोग 10,000 रुपए कमा रहे हैं, एक सोर्स से 5 और 4, इन चारों सोर्स को मिलाएंगे तो आप लोगों की महीने की अर्निंग 39,000 रुपए आएगी। तो दोस्तों ये 39,000 रुपए आप लोगों की 30 दिन की कमाई है, तो आप लोगों की पर डे की कमाई आप लोग उसको 30 से डिवाइड कर देंगे तो 1300 आएगा, कि आप लोग एक दिन में 1300 रुपए कमाते हैं और आप लोग एक घंटे में ऑलमोस्ट 45 रुपीज कमाते हैं, ठीक है। 1300 को 24 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आप लोग 45 रुपीज आप लोग एक घंटे का कमाते हैं। अपनी चारों सोर्स ऑफ अर्निंग को मिला करके आप लोग एक घंटे में केवल 45 रुपए कमाते हैं, केवल नहीं, किसी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं तो 45 रुपए एक छोटा अमाउंट है अगर एक घंटे के हिसाब से देखा जाए। तो यहाँ पे दोस्तों अब आप लोगों को क्या सोचना है, अब यहाँ पे आप लोगों को सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ आना है। जब हम लोग इसे बढ़ाएंगे, जब अपने घंटे की वैल्यू बढ़ाएंगे, हमारे अभी एक घंटे की कीमत 45 रुपए है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी बंदा कह रहा है कि तुम मेरे साथ एक घंटे के लिए चलो, मैं तुमको 100 रुपए दूंगा, तो आप लोगों को उसके साथ तुरंत चले जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की एक घंटे की वैल्यू केवल 45 रुपए है। आप लोग अगर किसी बंदे के साथ जाएंगे 100 रुपए के लिए, तो आप लोगों को वहां पे फायदा लगभग 55 रुपए का हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अब वो एक बंदा आप लोगों को मिट्टी फेंकने भी लेके जा सकता है, एक बंदा आप लोगों को कुछ भी करने के लिए लेके जा सकता है, ठीक है। वो 100 रुपए आप लोगों को देगा तो वो आप लोगों के लिए फायदे का सौदा होगा। अगर कोई बंदा 50 रुपए भी दे रहा है तो वो आप लोगों के लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि आप लोगों की एक घंटे की कीमत, 60 मिनट की कीमत केवल 45 रुपए है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग अपने घंटे की वैल्यू को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, अपने एक घंटे की अर्निंग को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, मैं यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मेथड बताऊंगा। आप लोग ही दूसरे को भी सिखाइएगा, इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आ सके।
तो देखिए दोस्तों, ये 20,000 है, आप लोग यहाँ पे 8 घंटे काम कर रहे हैं और ये सोर्स ऑफ अर्निंग में आप लोग हो सकता है 1-2-3 घंटे जिस भी तरह से काम कर रहे हो तो ये क्रिएट हो रही है। तो मान लेते हैं 1-1 घंटे आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो 1-1 घंटे काम कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग इस सोर्स ऑफ अर्निंग में 8 घंटे अपना समय दे रहे हैं। तो 8 घंटा समय दे रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों के 1 घंटे की वैल्यू जो है वो है 2500 रुपए। ठीक है, आप लोग 1 घंटा इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरे महीने का कैलकुलेट किया हुआ, ये पर डे का नहीं है। आप लोग 1 घंटा काम करके केवल 20,000 रुपए कमा रहे हैं इस सोर्स ऑफ अर्निंग से, प्राइमरी अर्निंग से। अब ये हो सकती है आप लोगों की जॉब, ये हो सकती है आप लोगों का बिजनेस, और ये अमाउंट हो सकता है डिफरेंट, जरूरी नहीं है कि 20,000 रुपए। ठीक है, एक समझाने के लिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग केवल 1 घंटे काम कर रहे हैं, केवल 1 घंटे काम कर रहे हैं, केवल 1 घंटे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को 10,000 रुपए इकट्ठा हो रहा है, 10,000, 5,000, 4,000। यानी कि दोस्तों आप लोगों की ये जो वैल्यू है ये आप लोगों को घाटे में लेके जा रही है। आप लोग यहाँ पे 1 घंटे में 2500 कमा रहे हैं, वही केवल आप लोग यहाँ पे 1 घंटे काम करके 10,000 रुपए कमा रहे हैं। अगर आप लोग ये घंटा इसमें देना स्टार्ट कर दे, जो 8 घंटे में से आप लोग इसमें कुछ अपने घंटे को कंट्रीब्यूट करने लगे, 2 घंटे काम करने लगे, 3 घंटे काम करने लगे, पूरा का पूरा 8 घंटे काम करने लगे, तो ये इनकम आप लोगों की इंक्रीज हो जाएगी। अगर पूरा का पूरा 8 घंटे काम करने लगे तो ये इनकम आप लोगों की 80,000 तक चली जाएगी। दोस्तों आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि आप लोगों की इनकम किस हद तक बढ़ जाएगी और ये 1 घंटे की वैल्यू 4500 रुपए से कहाँ बूस्ट करके चली जाएगी। अब इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को रिप्लेसेबल इनमें भी करना है, हो सकता है कि ये काम थोड़ा हार्ड हो, ये काम आप लोग बिल्कुल आसानी से कर रहे हो, पर यहाँ पे आप लोगों की अर्निंग अभी कम है। हो सकता है कि आप इसे आधा घंटा ही समय दे रहे हो, 10 मिनट ही समय दे रहे हो, या फिर किसी भी तरह से आप लोग यहाँ से ऑन कर रहे हो। अगर उस सोर्स इनकम में आप लोग ज़्यादा समय देने लगे तो वहाँ से आप लोगों की इनकम ग्रोथ हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग अपने सोर्स ऑफ इनकम को इस तरह से राइट डाउन कीजिए, फिर आप लोग अपने घंटे को लिखिए कि आप लोग वहां पे कितना घंटा काम कर रहे हैं, कितना घंटा काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग उसके पर घंटे की वैल्यू निकालिए, महीने की वैल्यू निकालिए कि पर घंटे आप लोग उससे काम कर रहे हैं तो महीने में आप लोगों का कितना वहां से निकल रहा है। फिर आप लोग अदर सोर्सेस के साथ भी इसी तरह से कीजिए, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारा आने वाला घंटा कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों तो 1 घंटे में जहाँ आप लोग 2500 कमा रहे हैं, 1 घंटे में आप लोग काम करके 10,000 कमा रहे हो सकता है कि अगर ये 3,000 भी हो तो इससे ये ज़्यादा वैल्यू रख रहा है, इसको आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं। अब रिप्लेस की बात आई दोस्तों, तो ये तो काफ़ी सिंपल सा मैथड था, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत गणित आती है तो आप लोग ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब रिप्लेस की जब बात आ जाती है दोस्तों तो आप लोगों को ये सोचना है कि हम अपने आप को किस तरह से रिप्लेस करें। कई बार क्या होता है कि हम जॉब नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि भैया हमारे माइंड में ये फीड किया होता है कि हमें एक स्टेबल जॉब चाहिए, और हमारे घर वाले ये मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है तो बंदा काफ़ी आगे जा सकता है। लेकिन दोस्तों क्या है कि ये आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब भी है, ठीक है, ये आप लोगों का खुद का काम है, ठीक है, ये आप लोग कहीं से भी अर्न कर रहे हैं, आप लोग इसको समझिए, और ये आप लोगों की प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम भी है। लेकिन दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे समय खराब हो रहा है। अब इनमें आप लोग दोस्तों क्या है कि अगर आप लोगों की जॉब है तो आप लोग इसको किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते, आप लोग वहां से रिप्लेस करेंगे तो आप लोगों की अर्निंग नहीं होगी, उस बंदे की अर्निंग होगी। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों की है, यहाँ पे अगर आप लोग रिप्लेस करते हैं तो कुछ हिस्सा दे करके आप लोग खुद पे उस हिस्से को बांट सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हो सकता है कि ये खुद का आप लोगों का बिजनेस हो तो इसमें आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए तो अच्छा है कि आप लोग यहाँ से खुद हट सकते हैं, दूसरे को वहां बैठा सकते हैं, वो काम करेगा, तो कुछ आप लोग उसको सैलरी पे रख सकते हैं, या फिर आप लोग खुद वहां पे हट जाएंगे पूरी तरीके से और उसको पूरी तरीके से उसको दे देंगे और कुछ हिस्सा आप लोग वहां पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि जब आपने यहाँ पे किसी को रिप्लेस कर दिया तो मान लेते हैं कि 20,000 में से आप लोगों का वो 5,000 रुपए सैलरी के रूप में ले लेता है, जिसको भी आप लोगों ने रिप्लेस किया है। ठीक है, ये जॉब वालों के लिए नहीं है, जॉब वाले अगर रिप्लेस करेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों की 15,000 रुपए की इनकम जो है वो फ्री में आने लगी, यानी कि आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, केवल आप लोगों को देख रेख करनी है किस तरह का हिसाब किताब चल रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सब कुछ करने में केवल 1 घंटा लगेगा,
और 1 घंटे में दोस्तों आप लोग 1500 रुपये बना रहे हैं केवल हिसाब किताब देख करके कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग अपनी घंटे की वैल्यू बढ़ा दिए कि 1 घंटे में आप लोग जो 2500 रुपये कमा रहे थे अब 1 घंटे में आप लोग वही 20,000 कमा रहे थे अब वही काम करके आप लोग 15,000 रुपये कमा रहे हैं केवल रिप्लेस करके। तो आप लोगों को सबसे पहले दूसरों को चांस देना पड़ेगा जिससे कि आप लोगों की सोर्स ऑफ अर्निंग अपने आप बढ़ जाएगी। अब इसी तरह से दोस्तों आप लोग अदर सोर्सेज में भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को ये इनकम मेथड पता है कि ये आप लोग कर सकते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, तो आप लोग इसको पूरा का पूरा 8 से 9 घंटा दीजिए, जो आप लोग 8 घंटा इसको और 1 घंटा बाकी को दे रहे थे, इन सभी को आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं। इन सभी को आप लोग रिप्लेस करेंगे दोस्तों तो आप लोग हो सकता है कि आप इसका 2500 भी किसी को सैलरी पे देते हैं तो 2500 रुपये आप लोगों को ऐसे ही बनने वाला है। 4000 है तो आप लोग इसका 2000 भी किसी को देते हैं तो 2000 ये आप लोगों की सोर्स ऑफ अर्निंग होगी। और यहाँ पे आप लोग अपना 8 से 9 घंटा लगाते हैं और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा ये काम आगे चल सकता है तो अभी आप लोग देखिए कि आप लोगों की इनकम क्या होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग 15,000 कमा रहे थे, यहाँ पे आप लोग इसमें 8 से 9 घंटा देने लगे, मान लेता हूँ 8 घंटे देने लगे तो आप लोग यहाँ पे 80,000 कमा रहे हैं। और फिर यहाँ पे आप लोग 2000 ये कमा रहे हैं प्लस आप लोगों का 2500 ये हो गया। अब आप लोग जोड़ लीजिए, मैं आप लोगों को जोड़ के नहीं बताने वाला हूँ क्या वैल्यू आ रही है आप लोगों की। ठीक है, 80,000, 2,000, 2500 और 15,000, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को सीखना होगा कि आप लोग अपने घंटे की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अब देखिए आप लोगों की इनकम ऑटोमेटिकली 1,00,000 रुपये के ऊपर चली गई, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। ठीक है, लगभग 1,00,000 रुपये तक पहुंच गई है, 80,000, 2,000, 82 और ये 15 और 25, लगभग आप लोगों की 1,00,000 रुपीज़ तक बढ़ गई है। जो आप लोगों की इनकम 39,000 थी, केवल आप लोगों को छोटे से चेंजेस करने में ये इनकम बढ़ करके आप लोगों की ऑलमोस्ट 1,00,000 के आसपास पहुंच गई है। अब आप लोग अपने घंटे की वैल्यू निकालिए। अब हो सकता है कि ये इनकम आप लोगों की अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो वहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आप लोगों को सिखाना था कि आप लोग किसी एक जॉब में बंद करके मत रखिए, अपने माइंड को संकुचित मत कीजिए, थोड़ा सा ब्रॉड सोचिए कि आप लोग अगर कहीं पर अपने आप को रिप्लेस कर सकते हैं और जो रिप्लेस किया हुआ बंदा है वो आप लोगों को सैलरी पे या फिर पार्टनर पे काम करे, आप लोगों को वहाँ पे ना काम करना पड़े और आप लोगों की अर्निंग हो रही है वहाँ पे, तो उससे बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप लोग दूसरों को काम पे लगाएंगे तो आप लोग दूसरे कामों में जुट सकते हैं, दूसरी सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को कुछ हेल्पफुल निकल करके आया हो। अगर आप लोगों का इससे बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसी तरह की और वीडियोज आप लोगों तक नोटिफिकेशन के थ्रू आती रहेंगी अगर बेल आइकन क्लिक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।